नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जून के महीने और वृष राशि टॉरस की बात करते हैं कि टॉरस वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। कड़कड़ाती हुई गर्मी का महीना है, लेकिन हम आपको आपके राशि के माध्यम से ठंडक पहुंचाने वाले हैं। यानी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन जो है ना, घबराना नहीं होता है, हमेशा उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमें हड़बड़ाहट से काम नहीं करने चाहिए। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल हमें अपनी ज़िंदगी में अपने साथ हमेशा लेकर के चलने चाहिए। वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है। वैसे तो बड़ी कंट्रोलिंग राशि होती है, लेकिन इनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि हर कुछ पा लेना चाहते हैं। चलिए, अब आप क्या पा सकते हैं जून के महीने में, हम इसकी बात करते हैं। वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र लग्जरियस प्लैनेट, यानी मेरे को सब कुछ चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सजा सजाया हुआ सामान चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, यानी बड़ी इच्छाएं अपनी पूरी करने वाली राशि कहा जाता है। लेकिन इस बार जून में कितनी इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं, चलिए इस पर नज़र डालते हैं। 12 जून तक वृष राशि टॉरस की राशि में ही रहेंगे शुक्र। आपकी खुद की राशि है तो अपने घर में कौन प्रसन्न नहीं होता। अपने घर में तो हर कोई खुश ही रहता है ना, कंफर्टेबल रहता है। तो आपकी राशि में शुक्र का गोचर है और ये गोचर आपको बहुत फायदा देगा। फिर रही बात कि 12 को मिथुन में चले जाएंगे, यानी 12 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे, लेकिन 12 जून को वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। भले ही वहाँ चले जाएंगे, लेकिन स्व राशि इसके स्वामी हैं, वृष राशि के स्वामी हैं, आपको तब भी फायदा देते रहेंगे। ये बात अलग है कि शुक्र से आपकी राशि 12वीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी खुद की राशि होती है जब, तो वो किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब ये तो बात हो गई कि शुक्र के गोचर के चलते, लेकिन अब बात करते हैं कि आपको जून के महीने में और क्या क्या फायदा दे सकता है। गुरु शुक्र का योग, ये दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन आप ही की राशि में तो है। अब गुरु देवों के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो यहाँ क्लैशेस बढ़ने लगते हैं थोड़े से। तो कभी भी जिंदगी में जब कभी क्लैशेस का समय आ रहा हो तो वहाँ क्या रहना चाहिए, शांत। शांति शांति प्रदान हो जाए तो सोच लीजिए आपके आने वाले दूसरे कदम की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, आपको छू नहीं पाते। तो आपको थोड़ा सा जहाँ क्लैशेस जैसा है, जहाँ आपको लगे कि माइंड बहुत क्लमजी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ आप चुप हो जाइए, वहाँ आप शांत हो जाइए, शांति का प्रतीक रख लीजिए। देखिए फिर आपका फ़ायदा फिर से होने लगेगा, क्योंकि शुक्र की राशि ने आपको फ़ायदा तो देना है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार खुद की गलतियों से नुकसान होने लगता है। अब ये तो बिगड़े हुए काम भी बनाएंगे आपके, क्योंकि शुक्र हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके बहुत सारे जो स्टक हो रखे काम हैं, यानी जो चीज़ें काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो रही थी, रुक जा रही थी, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दोबारा से आपके सारे बिगड़े हुए काम सुलझ सकते हैं जून के महीने में। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार हम लोगों को दोस्ती बहुत प्रिय हो जाती है, वहाँ क्या करते हैं हम लोग, अपनी घर की बातें वहाँ जा कर के शेयर कर देते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में लगते हैं कि हमारा दोस्त था, हमने दिल की बातें कहीं, देखिए जी कैसा हुआ, हमारे पीठ पीछे वार कर दिया उसने। आपने अपने घर की पर्सनल निजी बातें अपने मित्रों को शेयर नहीं करनी है, और ख़ास करके जून के महीने में शेयर नहीं करनी है। आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन जून के महीने में आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात पर्सनल निजी होगी वो बात सामने उजागर हो सकती है और बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगी, तो आप गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे तो रिश्ता टूटेगा। तो इसीलिए आपने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को घर की बातें ना बताएं। अचानक से ये कॉम्बिनेशन आपको धन दिलाने वाला बन रहा है, यानी जून के महीने में आपको मनी इन्हेंसमेंट ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। मनी आपको
मिल सकती है, बढ़ सकती है, आपको फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, साथ के साथ सेमीटेनियसली धन खर्च भी हो सकता है। भाई धन खर्च हो जाए ना तो क्या है, क्योंकि आ तो रहा है ना धन। अगर आ जाए धन और साथ के साथ खर्च होता रहे, लक्ष्मी टिकती भी कहाँ है, जाने दीजिए। बट हाँ, जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उतनी ज़रूरतें जून के महीने में आपकी पूरी हो सकती है। राशि में जब शुक्र होंगे तब क्या करेंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि डील, जब आप फाइनेंशियल डील अगर आप किसी से करने जा रहे हैं, कोई पैसे का लेन देन, और ख़ास करके बड़े लेवल के पैसे का लेन देन, तो हम तो यही कहेंगे कि आप रुक जाइएगा। 12 तारीख के बाद अगर कि आप ये डील करने वाले हैं तो इसे टाल दीजिएगा, अगले महीने पर टाल दीजिएगा, या फिर 12 तारीख से पहले कर लीजिएगा। 12 तारीख से पहले कर लेंगे तो आपको फ़ायदा दे देगी यही डील। प्यार के मामले की बात करते हैं, क्योंकि जो प्यार है ना, वो कहते हैं कि आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं हम, प्यार की कोई परिभाषा ही नहीं है। लेकिन स्वार्थी प्यार है तो डगमगा जाएगा जून के महीने में, अगर सच्चा प्यार है तो आपको मिल जाएगा। यानी प्यार के मामले में एक बैलेंस सा सिचुएशन बन रहा है। किस तरीके से, गुरु आपको गलत राह पर नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं तो मोड़ भी लेंगे और रोक भी लेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर प्यार आपका सच्चा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन प्यार अगर के सिर्फ स्वार्थ के लिए हो रहा है तो गुरु महाराज आपको रोक लेंगे जून के महीने में ही। विवाह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अपने घर में बात करना चाहते हैं, कोई आपने किसी से कमिटमेंट की है, आप घर वालों को नहीं अभी तक बता पाए थे, तो इस पीरियड में अगर आप अपनी बात अपने घर में चलाते हैं तो आपकी शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है और बहुत अच्छा भी रहेगा ये समय। और ख़ास करके बहुत ईजी वे में कहते हैं ना कि शादी चट मंगनी और पट विवाह, तो ऐसा ही कुछ होगा कि मंगनी भी हो जाएगी और विवाह भी हो सकता है, और यहाँ पे कोई हर्डल्स नहीं नज़र आ रहे। आपके शत्रु एनिमीज से हर कोई डरता है, भाई एनिमीज हैं, हाय हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे शत्रु हमें कुछ नहीं करने देते। लेकिन अब की बार जून के महीने में ये टिट फॉर टैट वाली कंडीशन आ रही है, यानी आपने घबराना नहीं है शत्रुओं से, डट करके मुकाबला कीजिए, आराम से उनके आगे से निकल जाइए, उनकी तरफ ध्यान भी मत दीजिए, पूरा इग्नोर कर दीजिए। अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो आप हीरो बना देंगे उन्हें, अगर आप इग्नोर कर देंगे तो वो परेशान होने लगेंगे, तो इग्नोर करिए ताकि वो अपनी वजह से खुद ही परेशान होना शुरू हो जाए, आपका कोई काम जून के महीने में वो नहीं बिगाड़ पाएंगे। ध्यान देने की बात यह है कि काम और घर, इसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। कई बार क्या होता है, हम लोग एकदम काम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, और कई बार हम लोग सिर्फ घर को देखना शुरू कर देते हैं। तो काम और घर, इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है जून के महीने में। ये डिसीजन थोड़ा सा आप बहुत ही सोच समझ करके लीजिएगा। भाग्य की बात करते हैं कि भाग्य आपका जून के महीने में कितना परसेंट चलेगा, कितना प्रतिशत, 72 यानी 72% भाग्य आपका साथ देगा जून के महीने में। तो सोचिए कितना बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। तो इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन छोड़ करके आप 1 point टारगेट कीजिए सोचने का कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसी चीज़ें करनी है। यकीन मानिए आपको काफ़ी लाभ जून के महीने में मिल सकता है। रंग की अगर हम बात करें, रंग वो एनर्जी है जो हमारी किसी भी तरीके की एनर्जी को बैलेंस कर देती है, चाहे बढ़ाना चाहे तो बढ़ जाती है, कम करना चाहे तो कम हो जाती है। आपको गुलाबी रंग का इस्तेमाल जून के महीने में ज़्यादा करना है। आप ड्रेसेस में भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का कोई कलर होता है, कलर कागज़ होता है पिंक कलर का, गुलाबी रंग का, उसे फोल्ड करके अपने पर्स में, वॉलेट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गुलाबी रंग आपने ज़्यादा बढ़ाना है जून के महीने में। एक छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो जून का महीना काफ़ी बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है, है तो बेहतर, लेकिन और भी बेहतर हो जाए तो क्या बात है। चलिए शनिवार का दिन, शनिवार को आपने किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को
अन्न का दान करना है, वो भी पके हुए अन्न का दान। अब पके हुए अन्न में आप ये ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ तामसिक ना हो, यानी नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल भी नहीं देनी है आपने, लेकिन वेजिटेरियन में भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया हो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आपने खास करके अपने ध्यान, क्योंकि तामसिक देखता है, मैलेफिक प्लैनेट है ये नेगेटिव प्रभाव डालते हैं जब हम इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन फूड आप किसी को डोनेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव भी आप पर मेहरबान रहेंगे और जुपिटर गुरु भी आपके ऊपर मेहरबान, शुक्र यानी वीनस भी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। तो आपका जून का महीना काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, बहुत अच्छा हो रह सकता है। तो आपने जून के महीने में इन चीज़ों का सहयोग ज़रूर लेना है, खास करके रंगों का प्रयोग और जो दान डोनेट करते हैं इसका आपने प्रयोग ज़रूर करना है। अब आती है बात कि जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, कहते हैं इस महीने में अगर जल का दान करते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। तो उसके लिए कोई डे फिक्स नहीं है, आप किसी भी दिन जल का डोनेशन कर दीजिएगा। मीठे जल का करते हैं तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन कहते हैं ना प्यास मीठे से कहाँ बुझती है, तो आप नॉर्मल जल का भी अगर आप डोनेट करते हैं, डोनेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नॉर्मल जल भी आप दान में दे सकते हैं। तो ये तो था वृष राशि वालों का हाल जून के महीने का। अगली राशि होगी हमारी मिथुन राशि यानी जेमिनी, लेकिन मिथुन राशि तक हम पहुंचेंगे बाद में। पहले वृष राशि वालों के लिए खास करके एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कीजिए। देखिए इच्छाएं जो होती हैं ना अनगिनत होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कई बार एक्सेस इच्छाएं आपको खतरे की तरफ भी ले जाती है। तो वृष राशि वालों के लिए खास करके ये हिदायत है, थोड़ी सी अपने ऊपर कंट्रोलिंग ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल वृष राशि में इतना ही, अगली राशि का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।